हेलो नमस्ते आदाब सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सब। मैं हूं मनीषा कौशिक और आपसे बात करूंगी दिन के राशिफल और पंचांग की। तो आज है 28 जनवरी 2023 और दिन है सैटरडे यानी शनिवार। शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि रहेगी सुबह के 8:46 तक। आज गणमूल सूर्योदय से ही रहेंगे और शाम को 7:11 तक रहेंगे, पर पंचक नहीं होंगे। राहुकाल की बात करें तो सुबह 9:51 से लेकर सुबह के 11:12 तक राहुकाल का समय है। आज के लिए एक और अशुभ समय जिसके बीच कोई जरूरी काम करना अगर अवॉइड किया जा सकता है तो कर देना चाहिए, तो वो समय रहेगा दोपहर के 1:53 से लेकर दोपहर के 3:14 तक। आज के लिए सबसे शुभ समय रहेगा दोपहर के 3:19 से लेकर शाम के 4:39 तक। चलिए बात करते हैं राशिफल की। एरीज यानी मेष राशि वालों के लिए सितारे कहते हैं कि ऑफिस में सिले मिस्टेक्स करने से बचें। अब ये कैसे बचा जा सकता है, जब आप कोई भी काम कर रहे हैं उसे शिद्दत से करेंगे और फोकस दिमाग से करेंगे। आज अपनी मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखने की जरूरत होगी। किसी की कही हुई बातों को लेकर बहुत ज्यादा परेशान होने से बचें। जमीन को लेकर जो कार्यवाही चल रही थी वो पूरी हो सकती है। दोस्तों के साथ अगर रोड ट्रिप पर जाने का मौका मिलता है तो जरूर जाना चाहिए। जो भी स्ट्रेस चल रहा था जिंदगी में, धीरे धीरे आप उस स्ट्रेस से फ्री होना शुरू होंगे। आपके लिए लकी नंबर रहेगा 7 और लकी कलर रहेगा पिंक। टॉरस यानी वृषभ राशि वालों के लिए सितारे कहते हैं कि ऑफिस फ्रंट पर दिन जो है, करियर फ्रंट पर दिन जो है वो सक्सेसफुल रहेगा। फाइनेंशियल फ्रंट पर दिन जो है वो जरूर मिला जुला नजर आता है। नाजायज खर्चों से बचे, इन्वेस्टमेंट करते वक्त भी थोड़ी सी एहतियात बरत कर चले। अगर फैमिली लाइफ में कोई डिस्प्यूट चल रहे थे तो वो जरूर अब जो है वो थोड़ा और उलझ सकते हैं, इसलिए आपको लो प्रोफाइल होकर चलने में ही समझदारी होगी। पुरानी किसी प्रॉपर्टी से वहाँ से ज़रूर लाभ हो सकता है। कोई खाली पड़ी प्रॉपर्टी को भी आप रेंट आउट कर सकते हैं या कुछ बेचना चाहते हैं तो अच्छा प्रॉफिट भी होगा। आपके लिए लकी नंबर रहेगा 1 और लकी कलर रहेगा वाइट। जेमिनी यानी मिथुन राशि वालों के लिए सितारे कहते हैं कि अपनी हेल्थ पर थोड़ा सा फोकस आपको बढ़ाने की जरूरत होगी और इसके लिए रेगुलर एक्सरसाइज तो जरूरी है ही है, खान पान पर भी ध्यान देने की जरूरत होगी। ऑफिस में प्रमोशन मिलने के चांसेस जरूर ब्राइट लगते हैं। जल्द ही फैमिली गेट टुगेदर या कोई फैमिली में सेलिब्रेशन का माहौल बनेगा। बिजनेस मीटिंग के लिए जा रहे हैं तो कॉन्फिडेंस को बरकरार रखिएगा, अच्छा फायदा हो सकता है। आपके लिए लकी नंबर रहेगा 11 और लकी कलर रहेगा पर्पल। कैंसर यानी कर्क राशि वालों के लिए सितारे कहते हैं कि घर के खान पान पर अगर आप अपना ध्यान रखेंगे, बाहर के खान पान से अगर ध्यान हटा देंगे तो आपकी सेहत में बहुत अच्छा सुधार हो सकता है। आपका दिन ओवरऑल जो है वो मिला जुला रहेगा। परिवार के साथ कहीं लंबी यात्रा करने का मौका भी मिल सकता है। आज रुका हुआ पैसा भी वापस मिलेगा लेकिन वो वापस आते ही कहीं ना कहीं फिर लगना शुरू हो जाएगा। आपके लिए लकी नंबर रहेगा 2 और लकी कलर रहेगा ऑफ वाइट। लियो यानी सिंह राशि वालों के लिए क्या है खास। प्रोफेशनल फ्रंट पे व्यस्तता जो है वो बनी रहेगी, दिन हेक्टिक नजर आता है। ज्यादा मेहनत तो करने से आपको हेल्थ फ्रंट पर फायदा तो होगा ही होगा और अच्छे सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स भी देखने को मिलेंगे। परिवार के साथ समय बिताकर अच्छा महसूस करेंगे। अगर बहुत जरूरी है तो ही ट्रैवल कीजिए, वरना ट्रैवल प्लान्स को थोड़ा डिले या पोस्टपोन कर सकते हैं। आज अपने पार्टनर से भी आपको कोई सरप्राइज मिल सकता है। आपके लिए लकी नंबर रहेगा 6 और लकी कलर रहेगा लाइट ग्रीन। वर्गो यानी कन्या राशि वालों के लिए क्या है खास। ऑफिस में आपके काम की तारीफ हो सकती है, तो यानी कि आपका मोरल, आपका कॉन्फिडेंस लेवल आज काफी अच्छा नजर आता है। किसी पुराने इन्वेस्टमेंट से भी रिटर्न्स मिलने के योग नजर आते हैं। फैमिली मैटर्स में कहीं ना कहीं उलझने जो हैं वो बरकरार रह सकती हैं। किसी चीज को सुलझते हुए आप नहीं नजर आ रहे तो कोशिश कीजिए उसे और उलझाने में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन ना करें। नए घर में शिफ्ट करना होना चाहते हैं तो दिन शुभ नजर आता है। आपके लिए लकी नंबर रहेगा 22 और लकी कलर रहेगा ग्रीन। लिब्रा यानी तुला राशि वालों के लिए सितारे कहते हैं कि ऑफिस में थोड़ी सी अपनी अटेंटिवनेस को बढ़ाइए। सीनियर्स ने जो काम दिया है उसे सबमिट करने से पहले एक बार गो थ्रू जरूर कीजिएगा। आप अगर आयुर्वेद या किसी और अल्टरनेटिव मेडिकेशन का सहारा लेते हैं तो सेहत में सुधार जल्दी होना शुरू होगा। पैसों को संभाल कर यूज कीजिए, कहीं ना कहीं फिजूल खर्चों के बढ़ने के योग नजर आते हैं। अपने रिश्तेदारों से मुलाकात हो सकती है, पुराने समय को याद कर आप काफी रिलैक्स भी महसूस करेंगे। आपके लिए लकी नंबर रहेगा 3 और लकी कलर रहेगा येलो।
स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि वालों के लिए सितारे कहते हैं कि प्रोफेशनल फ्रंट पर लाइफ जो है वो मिली जुली नजर आती है, दिन एवरेज रहेगा। जल्द ही आप में से कुछ लोगों को नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। जॉब चेंज करना चाहते थे तो थोड़ा सा स्किल्स को एनहांस करना, अपने टैलेंट के ऊपर काम करने की जरूरत होगी। डिजिटल करेंसी में अगर इन्वेस्ट करने का शौक रखते हैं तो जरूर कीजिए, आज वहां से आपको आपकी राशि को स्पेसिफिकली लाभ हो सकता है। परिवार में प्रॉपर्टी को लेकर कुछ डिस्प्यूट्स नजर आते हैं, कोशिश कीजिए कि किसी लीगल काउंसलर से हेल्प लेकर ही कोई भी डिसीजन लिया जाए। आपके लिए लकी नंबर रहेगा 15 और लकी कलर रहेगा ब्लू। सजिटेरियस यानी धनु राशि वालों के लिए सितारे कहते हैं कि अपने पुराने क्लाइंट्स से अपने कनेक्शंस को रिवाइव करने के लिए समय अच्छा है। आपको अपनी फॉलो अप स्ट्रैटेजीज को इम्प्रूव करने की जरूरत रहेगी। कोई कानूनी कार्यवाही में उलझने के चांसेस भी नजर आते हैं, कहीं ना कहीं से वो डिपार्टमेंटल टेंशंस जो हैं वो परेशान कर सकती हैं। दिन आर्थिक तौर पर ओवरऑल मिला जुला रहेगा। आप सोलो जो है वो कोई ट्रिप प्लान भी कर सकते हैं, और जो लोग विदेश जाके काम करना चाहते थे उनके लिए भी नई अपॉर्चुनिटीज आती हुई नजर आती हैं। आपके लिए लकी नंबर रहेगा 6 और लकी कलर रहेगा सैफ्रन। कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि वालों के लिए सितारे कहते हैं कि आप खुद को एनर्जेटिक और फिट महसूस करेंगे। प्रोफेशनल लाइफ में दिन जो है वो मिला जुला नजर आता है। फैमिली में वालों की जो है वो किसी न किसी फैमिली मेंबर की सेहत को लेकर आपका विशेष तौर पर ध्यान जाएगा। हो सकता है उन्हें लेकर डॉक्टर्स के पास भी चक्कर लगाने पड़े। ऑफिशियली बिजनेस टूर जो है वो होते हुए नजर आता है, पर अच्छी बात यह है कि जिस काम के लिए जा रहे हैं वो काम भी जरूर बनेगा। आपके लिए लकी नंबर रहेगा 1 और लकी कलर रहेगा व्हाइट। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों के लिए सितारे कहते हैं कि ऑफिस में आपको सम्मानित किया जा सकता है। आपके मान सम्मान में भी वृद्धि होते हुए नजर आती है। रियल एस्टेट सेक्टर में अगर इन्वेस्ट करने का शौक रखते हैं तो दिन आपके लिए फाइनेंशियली बहुत खूबसूरत रहेगा। किसी अपने परिवार वालों के साथ किसी धर्म स्थल की यात्रा के भी योग बनते हुए नजर आते हैं। ओवरऑल फैमिली लाइफ को बैलेंस रखने के लिए मेहनत अब आपको खुद करनी होगी। आपके लिए लकी नंबर रहेगा 9 और लकी कलर रहेगा ऑरेंज। चलिए बात करते हैं आखिरी राशि पाइसेस यानी कि मीन की। बिजनेस में अगर नए स्टेप्स आपको लेने पड़ते हैं तो उसके लिए ये सही समय है। कोई बड़ा डिसीजन अभी तक पेंडिंग था, थोड़े से अपने कॉन्फिडेंस को गैदर कीजिए और आप ये डिसीजन अब ले पाएंगे। ऑफिस में नए प्रोजेक्ट्स मिलने के योग भी नजर आते हैं। जिन स्टूडेंट्स को कहीं इंटर्नशिप के लिए जो ट्राई कर रहे थे तो आज आपके लिए भी दिन फायदेमंद रहेगा। दोस्तों के साथ छोटी मोटी यात्रा भी नजर आती है, कोई गेट टुगेदर या किसी पार्टी का इन्विटेशन भी आ सकता है। रिश्तेदारों से मिलने का मौका मिलता है तो इस मौके को हाथ से जाने ना दे। आपके लिए लकी नंबर रहेगा 2 और लकी कलर रहेगा लाइट येलो। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी। सी यू टुमारो।